आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज के मुख्य समाचार। जालसाजी कर फर्जी दर्जा प्राप्त मंत्री बनकर आए अंबार अहमद पर दर्ज किया गया मुकदमा। दामोदरपुरी में मंदिर की जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जे को पुलिस ने रुकवाया। जिले भर में अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। देवबंद के एलिवेटेड फ्लाईओवर पर ट्रक व कार की हुई भिड़ंत, लगा लंबा जाम। भागवत कथा से पूर्व ब्रजेश नगर में निकाली गई जल कलश यात्रा। चांद रात पर दुगनी हुई बाजारों की रौनक। और अब खबरें विस्तार से। सहकारिता विभाग में जालसाजी कर फर्जी दर्जा प्राप्त मंत्री बनकर आए अंबार अहमद पर शासन में प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए देहात कोतवाली में मुकदमा कायम कराया है, जिसमें एसएसपी बबलू कुमार ने अंबार की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। वहीं जिला अधिकारी आलोक पांडे ने बताया है कि सहकारिता सचिव को पत्र लिख दिया गया है, जैसे ही ऊपर से कोई आदेश आएगा तो जानकारी दे दी जाएगी। कुछ व्हाट्सएप मैसेज मीडिया के मित्रों के माध्यम से हमको प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक सचिवालय का प्रेस पत्र निर्गत किया गया है। इनको शासन से कोई रिपोर्ट या शासन से कोई सूचना इस संदर्भ में हमारे पास आधिकारिक रूप से आई नहीं है। लोकल कंप्लेंट्स हैं, उस पर हम चेक कर रहे हैं। प्रमुख सचिव सहकारिता महोदय को एक पत्र भी लिखा गया है यहाँ से, जिसके माध्यम से उनसे ये प्रार्थना की गई है कि वो जो भी कुछ डिटेल्स हों डिटेल्स हमको भेज दें। डिटेल्स मिल जाने के बाद आपको हम पूरी तथ्यों से अवगत कराएंगे। थाना जनकपुरी क्षेत्र में स्थित दामोदरपुरी में मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें क्षेत्रवासियों ने एसएसपी से शिकायत की थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए जनकपुरी पुलिस ने आज जमीन के पास लगाए गए गेट को हटवाकर दीवार कराई। कॉलोनी काटी थी, कॉलोनाइजर जो थे यहाँ के खेम का, उन्होंने ये दान में दी थी मंदिर के लिए, सबसे आखिरी प्लॉट था ये, ठीक है। इसके बाद ये जो पड़ोसी है इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो उससे कागज वागज है कुछ? हाँ, वो सब चीज़ है, वो सब चीज़ सब कागजों को हमने ले जाकर कप्तान साहब को अवगत कराया हर चीज़ से। उन्होंने तत्काल यहाँ मौके पर पुलिस भेज के और इसे दीवार को जो तोड़ कर गेट लगाया गया था इसे बंद करा दिया है। आगे जो न्यायोचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। पवित्र रमजान माह के पाँचवें व अलविदा जुमे पर आज नगर की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज़ अदा की गई, जिसमें जमा मस्जिद में इमाम कारी अरशद गुरान ने नमाज अदा कराई और देश के में अमन चैन व तरक्की के लिए दुआ भी कराई। देवबंद के एलिवेटेड फ्लाईओवर पर बृहस्पतिवार की रात ट्रक व कार की भिड़ंत हो गई, जिसके कारण फ्लाईओवर पर लंबा जाम लगा रहा। ब्रजेश नगर में आज भागवत कथा से पूर्व जल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिला श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। शोभा यात्रा विभिन्न स्थानों से होकर मंदिर परिसर में आकर संपन्न हुई। ईद उल फित्र की चांद रात पर आज बाजारों में रौनक दुगनी हो गई है, जहां एक ओर महिलाएं चूड़ी व मेहंदी लगवाती नजर आई, वहीं दूसरी ओर युवा कपड़े खरीदते नजर आए।